हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेक्शन में हमने पाइथन डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम पाइथन डिक्शनरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पाइथन डिक्शनरी के साथ कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं और उसको पाइथन सेल पे किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। क्लियर मेथड। क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल द की वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी। जो क्लियर मेथड होती है वो डिक्शनरी के अंदर उसकी जो की और वैल्यू की जो पेयर्स होती है उसको रिमूव करता है, या ये बोल सकते हैं कि जो डिक्शनरी के अंदर उसके अंदर जो भी की और वैल्यूज़ की जो पेयर होती है उसके सारे के सारे जो उसके जो आइटम्स होते हैं उसको ये डिक्शनरी में से रिमूव कर देता है। सीधे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक क्यूब, एक डिक्शनरी लिया है। इसके अंदर इसके जो डिक्शनरी की वैल्यू पास की है और इसके अंदर जो की एलिमेंट है 1, 2 और 3 है, और 1, 8 और 27 ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब इसको हम क्यूब्स डॉट क्लियर मेथड को कॉल करते हैं, तो ये जो है डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ है उसको सारी की सारी वैल्यू को रिमूव कर देगा। फिर जब हम इस क्यूब मेथड को प्रिंट क्यूब वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा एम्प्टी डिक्शनरी, मतलब जो डिक्शनरी के एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें से रिमूव हो गए हैं। पाइथन सेल पे देखते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं क्यूब, उसके जो एलिमेंट है हमने पास कर दिए 1, 2 और 3, इसके की एलिमेंट है 1, 8 और 27 इसकी वैल्यूज हैं। अब इस क्यूब्स को प्रिंट करते हैं। ओके, ये डिक्शनरी के जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो गए। अब हम इसके एलिमेंट को क्लियर करेंगे। क्लियर मेथड को कॉल कर लिया। अब इस क्यूब्स को प्रिंट करेंगे तो ये एम्प्टी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, मतलब जो डिक्शनरी के सारे जो एलिमेंट हैं की और वैल्यूज़ के पेयर में थे वो सारे के सारे इसमें से रिमूव हो गए हैं। कॉपी मेथड। कॉपी मेथड रिटर्न ऑल सेलो कॉपी ऑफ ए डिक्शनरी। जो कॉपी मेथड है वो डिक्शनरी के एक तरह से क्या करती है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो क्रिएट कर देती है। सीधे एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्यूब सेक्स डिक्शनरी लिया है और साथ में उसके की और वैल्यू की जो पेयर के साथ में उसके हमने आइटम्स को असाइन किया है। फिर क्यूब्स वन हमने एक और डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी वेरिएबल लिया है। अब इस क्यूब्स के अंदर जो क्यूब्स डॉट कॉपी जो है हमने कॉपी मेथड को कॉल किया है और उसकी वैल्यू असाइन कर दी है क्यूब्स वन वेरिएबल को। तो जब हम इस क्यूब्स वन वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं जो क्यूब्स डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसको क्यूब्स वन ने डिस्प्ले कर दिया, मतलब जो क्यूब्स की वैल्यू थी वो सारी की सारी वैल्यू कॉपी हो गई क्यूब्स वन के अंदर। पाइथन सेल पे देखते हैं, एक डिक्शनरी ले लिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी है साथ में। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं क्यूब्स वन, इसमें क्यूब्स की वैल्यू को कॉपी करना है। क्यूब्स डॉट कॉपी कॉपी मेथड को कॉल किया, उसके बाद क्यूब्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे क्यूब्स वन की वैल्यू को। तो ये जो डिक्शनरी की जो सारी की सारी वैल्यूज थी क्यूब्स की वो इसके अंदर कॉपी हो गए हैं। वैसे हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्री को हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्स कीवर्ड का यूज़ किया है डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और यहाँ पे हमने एक जो वैल्यू असाइन कर दिया है, जैसे यहाँ पे पास कर सिंगल ए
देन बी देन सी, एक ही एलिमेंट पास कर दिए, सो क्लोज कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे हम इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसे यहाँ पे पास कर दिया। अभी सो क्लोज कर देते हैं, इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। फ्रॉम कीज मेथड, दिस मेथड टेक्स की फ्रॉम एन इटरेबल एंड क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी फ्रॉम इट। इस मेथड के द्वारा जो हम की को यूज़ करते हैं, कि इसमें इटरेबल फॉर्म में होती है और ये एक नई डिक्शनरी को क्रिएट करता है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कीज़ को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिया है हमने क्यूब्स वन, एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हमने डिक्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है जो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है, डॉट फॉर्म कीज़ फंक्शन का यूज़ किया है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 1, 2 एंड 3, ये जो है कीज़ एलिमेंट को पास किए हैं, और जो 10 पास किया है ये वैल्यूज़ हैं। तो जब आप इस क्यूब्स वन को प्रिंट करेंगे तो ये इस फॉर्म में डिस्प्ले, जो इसका रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 1, 2, 3 की असाइन किया था, ये 1, 2 एंड 3 ये की फॉर्म में हो गए, और उसकी वैल्यू जो है वो 10 असाइन हो गई है। सी इन पाइथन सेल, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यूब्स वन वेरिएबल लिया, डिस्क कीवर्ड का यूज़ किया है, डॉट फॉर्म फ्रॉम की हमने मेथड को कॉल किया है, उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर दिया, और 1, 2, 3 इसमें की वैल्यू है, की है, और जो 10 है वो वैल्यूज़ है। तो अब क्यूब्स को प्रिंट करते हैं, क्यूब्स वन, तो ये इसने इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर दिया है। नाउ सी इन पाइथन सेल, हमने क्यूब्स एक डिक्शनरी ले लिया है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो ये डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसमें हम जो है गेट मेथड को कॉल करेंगे, और इसमें कोई वैल्यू पास कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पे की एलिमेंट पास कर दिया 3, तो इसमें जो 3 की वैल्यू 27 वो प्रिंट होना चाहिए, तो ये प्रिंट हो गया। फिर अगेन हमने कॉल किया क्यूब्स डॉट गेट 2, इसको प्रिंट करते हैं, ये भी अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू 8 ये प्रिंट कर दिया। अब हमने लिया क्यूब्स डॉट गेट, इसमें पास कर दिया हमने 4, ये जो की है इसमें डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, जब इसको प्रिंट करेंगे तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जब इसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो ये नन वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम डिक्शनरी को सीधे कॉल करते हैं, तो हमने इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके साथ पास किए, इसमें पास कर दिया सपोज 2, तो इसने जिसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया 8। अगर हमने इसके अंदर पास कर दिया 4, ठीक है, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा, और ये की एरर देगा। गेट मेथड, दिस मेथड गेट द वैल्यू फॉर ए की, द डिफॉल्ट वैल्यू इज नन। इस मेथड के द्वारा हम की जो वैल्यू है उसको गेट करते हैं या प्राप्त करते हैं, और जो इसके जब गेट मेथड का यूज़ करते हैं तो इसके जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नन होती है।
मतलब जब आप डिक्शनरी के अंदर गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, गेट मेथड के थ्रू किसी की को आप कॉल कर रहे हैं और वो की उस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये नन रिटर्न करेगा। इट ट्राइज ए की एरर इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन ए डिक्शनरी। अगर किसी डिक्शनरी के अंदर अगर कोई की प्रेजेंट नहीं होती है, तब ये की एरर डिस्प्ले करेगा। सीधे एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्यूब्स एक डिक्शनरी लिया है, इसकी जो वैल्यू हमने असाइन कर दिया है ये की और वैल्यूज के साथ में उसका पेयर बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्यूब्स डॉट गेट, इसमें पास किए की पास किए 3 जो इसके अंदर अवेलेबल है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा 27। आइटम मेथड्स, दिस मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ए डिक्शनरी की एंड वैल्यू पेयर्स। ये मेथड डिक्शनरी की एक लिस्ट को रिटर्न करती है जिसमें की और वैल्यूज़ की पेयर होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने क्यूब्स डिक्शनरी ले लिया और उसमें की और वैल्यू की पेयर्स को पास किए हैं। तो जब आप इसको क्यूब्स डॉट आइटम आइटम मेथड को कॉल करते हैं और इसको जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे, तो ये डिक्शनरी की जो की और पेयर्स की जो की और जो उसकी वैल्यूज होती है उसकी पेयर को डिस्प्ले कर देगा। इन पाइथन सेल यहाँ पे हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, क्यूब्स एक डिक्शनरी है, इसको पास करते हैं क्यूब्स डॉट आइटम्स। तो जब प्रिंट करेंगे तो ये जो उसके जो वैल्यूज हैं उसको डिस्प्ले कर देगा, साथ में डिक्स्ट अंडरस्कोर आइटम इसकी पेयर के साथ बताएगा, डिक्शनरी के जो आइटम है उसको डिस्प्ले कर देगा। एक को डिक्शनरी लेते हैं, स्ट्यू हमने डिक्शनरी ली है, इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, नेम एक की ले लिए हैं, इसकी वैल्यूज पास करेंगे, अभी देन एज हमने एक की लिया है और इसमें पास कर दिया है 15। अब स्टेटमेंट क्लोज करते हैं, तो एस टी यू डॉट आइटम्स, तो ये डिक्शनरी की जो की एलिमेंट है जो की और वैल्यू की पेयर को डिस्प्ले कर देगा। कीज मेथड, दिस मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ कीज डिक्शनरी। यह मेथड जो डिक्शनरी की कीज होती है उसकी लिस्ट को रिटर्न करता है। सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने लिया है क्यूब्स एक डिक्शनरी है, उसके अंदर हमने कीज और वैल्यू की पेयर को इसमें इंसर्ट किया है, या जो कीज और वैल्यू की पेयर है इसमें जिसको कि हम आइटम बोलते हैं। फिर हम क्यूब्स डॉट कीज़ फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये जो डिक्शनरी की कीज़ है उसको डिस्प्ले कर देगा। नाउ सी इन पाइथन सेल, यहाँ पे हमने ले लिया क्यूब्स, एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसमें पास कर दिया इसकी वैल्यू, उसको प्रिंट करके देखते हैं, क्यूब्स क्यूब्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। अब इसके साथ में उसके की एलिमेंट को देखते हैं, की जो हमने पास की है डिक्शनरी की जो कीज़ है, तो की मेथड को कॉल कर लिए, उसको प्रिंट करते हैं,
तो जो डिक्शनरी के अंदर जो हमने की पास की थी उसको डिस्प्ले कर देगा। एसटी हम एक और डिक्शनरी लेते हैं, इसके अंदर डिक्शनरी की वैल्यू पास कर देते हैं, नेम नेम पास कर दिया है इसमें। अभी देन एज पास कर देते हैं 15, सो क्लोज कर देते हैं, प्रिंट करेंगे। अब stu डॉट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये जो डिक्शनरी के अंदर हमने जो नेम और एज जो कीज ली थी उसको डिस्प्ले कर दिया उसमें। सेट डिफॉल्ट मेथड, दिस इज लाइक गेट मेथड बट एड ए की वैल्यू पेयर टू ए डिक्शनरी इफ इट इज नॉट इन डिक्शनरी। ये गेट मेथड के जैसा होता है, लेकिन ये जो उसकी की और वैल्यू की पेयर को डिक्शनरी के अंदर ऐड करता है अगर ये डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये बोल सकते हैं कि अगर डिक्शनरी के अंदर हम सेट डिफॉल्ट मेथड के द्वारा जो एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं अगर वो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। सीधा एग्जांपल, क्यूब्स एक्स डिक्शनरी ले लिया, उसके साथ में हमने उसके आइटम्स को पास कर दिया और एक की और वैल्यू के पेयर में। अब यहाँ पे लिया क्यूब्स डॉट सेट डिफॉल्ट, यहाँ पे जो की एलिमेंट पास किया है 4 है और 10 उसकी वैल्यूज़ हैं, तो ये डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसको ऐड कर देगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। नाउ सी इन पाइथन सेल, यहाँ पे क्यूब्स एक डिक्शनरी ले लिया, क्यूब्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब क्यूब्स डॉट सेट डिफॉल्ट मेथड को कॉल करते हैं, इसमें पास कर दिया 4,10, उसके बाद क्यूब्स को प्रिंट करेंगे। तो इसने ये जो सेट डिफॉल्ट मेथड है इसके अंदर ये जो की एलिमेंट है की और इसकी जो वैल्यू है वो इसमें अवेलेबल नहीं था, तो उसमें ऐड कर दिया। अगेन कॉल करते हैं क्यूब्स डॉट सेट डिफॉल्ट, इसमें पास कर दिया हमने 2, ये इसके अंदर एग्जिस्टिंग है तो इसकी वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा। अपडेट मेथड, अपडेट एड्स की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम वन डिक्शनरी टू अनदर डिक्शनरी। जो अपडेट मेथड होती है इसके द्वारा हम जो की और वैल्यू के पेयर को एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी में उसको ऐड कर देते हैं। सीधे एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्यूब्स एक डिक्शनरी लिया है और साथ में इसकी जो की और वैल्यू की पेयर को हमने इसमें पास किया है। फिर हमने क्यूब्स वन एक और डिक्शनरी ली है और उसकी भी की और वैल्यू की पेयर्स को हमने इसमें पास किया है। अब इसमें क्यूब्स डॉट अपडेट मेथड को कॉल किया है और इसमें हमने क्यूब्स वन की जो वैल्यू है वो इसमें असाइन कर इसमें पैरामीटर पास कर दिया है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यूज़ के साथ में ऐड हो जाएगी। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक डिक्शनरी ले लेते हैं, एक को डिक्शनरी ले लिया हमने क्यूब्स वन, अब इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने 4, सिक्सटी फोर,
और साथ में 5 125। अब दोनों को प्रिंट करते हैं, क्यूब्स की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। अब ये क्यूब्स 1 की। अब क्यूब्स के अंदर क्यूब्स डॉट अपडेट मेथड को कॉल करते हैं और इसमें क्यूब्स 1 की वैल्यू को, ये जो है क्यूब्स 1 को असाइन कर देते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं क्यूब्स 1 का। जब इसको क्यूब्स को हम प्रिंट करेंगे तो ये जो वैल्यू है, जो क्यूब्स 1 की वैल्यू थी, वो इसके अंदर ऐड हो गई है। वैल्यूज मेथड, द वैल्यूज मेथड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी। जो वैल्यू मेथड होती है वो डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती है उसकी एक लिस्ट को रिटर्न करता है। सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्यूब्स एक डिक्शनरी लिया है, उसकी ये जो डिक्शनरी की वैल्यूज और कीज का पेयर है। अब हम क्यूब्स डॉट वैल्यू मेथड को कॉल करते हैं, तो ये जब इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा तो ये इसकी जो वैल्यूज है उसको डिस्प्ले कर देगा। सी इन पाइथन सेल, ये जो हमने क्यूब्स एक डिक्शनरी लिया है उसकी वैल्यू को पास कर दिया, इसको प्रिंट करते हैं क्यूब्स। तो ये जो है क्यूब्स की जो की और वैल्यू की पेयर को इसमें डिस्प्ले कर दिया। अब हम कहते हैं क्यूब्स डॉट वैल्यू मेथड को कॉल करेंगे, वैल्यूज मेथड को। तो ये जो इसके अंदर जो भी इसकी वैल्यूज होगी उसको तो इसने डिस्प्ले कर दिया। एसटीयू एक डिक्शनरी लेते हैं, इसके अंदर पास कर दिया हमने नेम, साथ में पास कर दिया एज, इसको प्रिंट करते हैं। अब इसके साथ में एसटीयू डॉट वैल्यूज मेथड को कॉल करेंगे, तो ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो गई है। पॉप मेथड, दिस रिमूव्स द गिवन की फ्रॉम ए डिक्शनरी। इसके द्वारा हम डिक्शनरी के अंदर जो की हम पास करते हैं उसकी वैल्यू को के साथ में उसको रिमूव कर देते हैं, या डिक्शनरी के जो आइटम है उसको रिमूव करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सीधे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे पास किया क्यूब्स और ये इसके आइटम्स हैं जो की और वैल्यू से कंसिस्ट है, के पेयर में कंसिस्ट है। अब इसको क्यूब्स डॉट पॉप, यहाँ पे हमने की पास की है 3, तो ये इस वाले जो पेयर है उसको रिमूव कर देगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसका जो आउटपुट होगा वो 27, जो इसकी वैल्यू 27 प्रिंट कर दी। तो जब आप क्यूब्स को प्रिंट करेंगे तो ये इसका आउटपुट ये मिलेगा, इसमें जो ये पेयर जो था 3 की वाला वो इसमें से रिमूव हो गया और ये हमें रिमेनिंग आउटपुट ये मिलेगा। पाइथन सेल, ये हमने क्यूब एक डिक्शनरी ले लिया, उसके साथ में कीज और जो इसकी वैल्यू है उसके पेयर को पास कर दिया, प्रिंट करेंगे। ओके, अब हम क्यूब डॉट पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 3। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसने 27, मतलब जो की है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसको प्रिंट करेंगे क्यूब्स, तो यहाँ से ये जो पेयर है वो रिमूव हो गया। अगेन हम इसको फिर कॉल करते हैं डॉट पॉप, इसमें पास कर देते हैं हम 2, तो इस पेयर को भी यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। पॉप आइटम मेथड, दिस रिमूव्स
द लास्ट एडिट की वैल्यू पेयर फ्रॉम ए डिक्शनरी। इस फंक्शन के द्वारा जो सबसे लास्ट में की और वैल्यू की पेयर जो ऐड होती है उसको डिक्शनरी से ये रिमूव कर देता है। सीधे एग्जांपल, जैसे क्यूब्स हमने यहाँ पे लिमिट क्यूब से एक डिक्शनरी ले लिए, उसके अंदर हमने की और पेयर्स के साथ में हमने की और वैल्यू के पेयर में हमने वैल्यूज पास इसको जो है आइटम्स पास किया है। उसके सबसे लास्ट में जो की और वैल्यू का पेयर है ये इसमें इसकी जो की है वो 5। फिर हम क्यूब्स डॉट पॉप आइटम मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये इसके जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। और जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसको ये रिमूव करेगा, और जब क्यूब्स को प्रिंट करेंगे तो ये रिमेनिंग आइटम को डिस्प्ले कर देगा। ओके, पाइथन सेल पे देखते हैं। एक क्यूब से एक डिक्शनरी ले लेते हैं, क्यूब्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब पॉप आइटम मेथड को कॉल करेंगे, तो ये जो है एलिमेंट इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसको इस यहाँ से रिमूव कर दिए। अब क्यूब्स को डिस्प्ले करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन इसको एक बार कॉल करते हैं तो इसने जो इसका जो लास्ट एलिमेंट इसको रिमूव कर दिए। क्यूब्स को डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पाइथन से रिलेटेड और भी कोई आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। अगर आपको आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरी भी उसमें पुटअप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।